कौश भाई घपा, अरे पाजो भाई, अरे वाह क्या स्पीड में चबाया। फूला फूला डिसन लेके जमन की आई से समथिंग मी या ऑफ कोर्स प्लीज डू विजिट आवर प्लेस, इट्स ऑपोजिट अतिथि रेस्टोरेंट नैनीताल रोड। हाय सुबह के हो रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। कल रात को जितनी मस्त हवा बारिश चल रही थी एंड अभी अपन निकल रहे थे स्टूडियो के लिए। मैं जा रहा स्टूडियो जा रहा मैं जो जो बोलो तो ये मैंने नानी की दवाई रख दी यहाँ पे। अरे उठ गया तू भी। तो यहाँ पे कीटो भी उठ गया, गोकू भी उठ गया और कल तूने चिकन खाया दबा के। अरे अंगड़ा ही ले रहा। शाबाश बेटा, गेट तो खोल दिया कर यार। जब आ जा चलो, मैं भी निकालता अपनी बाइक को ना, बड़ी गंदी हो रही है, इसको पोस्ट करो। यार काफ़ी धूल मिट्टी लग गई इसमें। कल एक्चुअली बारिश भी इतनी मस्त हुई थी ना, मज़ा ही आ गया था। मौसम एकदम सुहाना हो गया है। पहुंच गया स्टूडियो अब सुबह सुबह। अभी टाइम हो रहा है कितना, क्या है 5:46 हो रहा है और अभी जैसे मैं वेट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट का। जैसे ही आते हैं उसके बाद करेंगे हम लोग काम। एक्चुअली ये सेशन काफ़ी लॉन्ग है तो इसलिए फिर सुबह जल्दी आ गए, और अदरवाइज़ वही 10:30 का टाइमिंग होता है, बट आज थोड़ा जल्दी कम करना है। इसलिए मैं फटाफट मैं 5 बजे नहा के रेडी हो गया था और सीधे एक केला खा के आ गया स्टूडियो में। चलो फिर थोड़ा सा डिज़ाइन पे वर्क करता हूँ मैं अब। तो अभी मैं आ रखा हूँ नर्सरी में और लकी बैम्बूज़ के लिए, बट यहाँ पर मिल भी नहीं रहा है यार। इससे पहले दूसरी जगह भी गया था, वहाँ भी नहीं मिला मुझे। ये वाली नर्सरी में भी नहीं मिला। अगर शॉप से जाऊँगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा मुझे। लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं। कल क्यों नहीं आ रहे, तेरे को अकल क्यों नहीं है? हाँ नानी कह रही है, तो नानी यहाँ बैठी हैं और नानी कह रही हैं कीटों को थोड़ी अकल होती तो बगल में मैं भी बैठती दरी में और ये भी बैठता, लेकिन इस महाशय को तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, है ना? तो स्कूल क्यों नहीं गया था? स्कूल नहीं, क्यों नहीं गए थे स्कूल? तो अभी से यहाँ बांध के रखा है, वरना तो भाई नानी जो है भी उछल के उधर नहीं कहाँ जाती। बिधर बस बिधर। अब नानी जी अंदर बैठेंगी। नानी जी को भी चैन नहीं मिलता, कहाँ जाऊँ होता है इनको बुढ़ापे में। जितने अब वही हुआ, थोड़ा अंदर बाहर करती तो सही रहता है, थोड़ा सा है ना हाथ पांव चलते हैं तो फिर अच्छा लगता है। अब मर बल कपड़े उठाएंगी, उसके बाद सीधे अंदर जाएंगी। अब ये नानी एकदम बेचैन जैसी, एकदम जब तक काम नहीं खोल तब तक आराम नहीं पोल। हिसाब अलग से नानी। मामी जी ये लीजिए चश्मा बन गया आपका, देखा पूरा ब्लैक वाला लगवा दिया आपको चश्मा, ये लीजिए। ये सुशीला तिवारी नहीं, ये तो पूरा भूल भुलैया है। पलंग तोड़ पेशेंट कौन था भाई यहाँ पे, खतरनाक। ये सुशीला तिवारी मुझे पूरा एकदम बहुत ही डर लगता है यार यहाँ पे, पता नहीं क्यों इतने भूल भुलैया जैसे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, समझ में नहीं आता। यहाँ तो GPS लेके घूमना पड़ता है मेरे को। एमरजेंसी, वाओ खतरनाक। ओ भयंकर, यहाँ का जो लिफ्ट है ना उस हॉस्पिटल का, इतना डरावना है। कोविड के टाइम पे आया था और जो बंद हुआ ये अंधेरा पूरा। मैंने कहा कि भाई गया मसीहा बन के आया था और ये गया।
गया सच में यार, ये तो इतना डरावना सा ये लिफ्ट है। दो जी है बिल्डिंग। तो मी एंड पाचू भाई आर हियर और यहाँ पे खाएंगे हम आटे वाला मोमो। एक्साइटेड फॉर द आटा मोमोस? यस, आटा नूडल्स। आटा नूडल्स नहीं, मोमो है। मैं तो खा चुका हूँ। एंड वेरी रीजनेबल प्राइस। चौमिन हाफ पीस, मोमो हाफ पीस, प्लेन बर्गर, मटन भैया दो मटन, फ्राइड राइस, चिली पनीर, सब देखो कितना रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे। आय हाय भैया कौन सा मोमो है? मटन? हाँ। अरे वाह, नाम क्या भैया आपका? हिमांशु। क्या हिमांशु नाम है? अरे मेरा नाम भी हिमांशु है। यह भाजपा ये भी हिमांशु है, मैं भी हिमांशु। वाह यस थैंक्स हिमांशु भाई। पाँच बजे तो ट्राई इट, बहुत ही तगड़ा बनता है यार। पाँच बजे घप्पा। अरे पाँच भाई, अरे वाह क्या स्पीड में चबाया। हाउ इज इट पाँच भाई, हाउ द टेस्ट? गुड। अरे वाह, क्योंकि आटे का तो कोई नुकसान ही नहीं है तो इसलिए एक और खा लेते हैं यहाँ पे। हाय हाय, वो प्याज एकदम, प्याज में कोई कंजूसी नहीं है। है बहुत ही टेस्ट में तो यम है, प्लस आटे का है और इतना खा सको दो तीन पेड़ आराम से खा सकते हो, वरना मैदे का तो बहुत नुकसान होता है। बट ये आटे का है तो खाते रहो, ये तो मैं खा रहा हूँ। बस दबा के खाना एकदम, सब निकल जाएगा अंदर का बाहर, कोई बात नहीं। या मज़ा आ गया। फिर हम लोग इधर आए या सामने, हमने यहाँ कुछ सामान लेना था क्योंकि गाड़ी हमने यहाँ दे रखी थी हुंडई में ठीक कराने के लिए। हाँ, कुछ आवाज़ आ रही है, तब मैंने यहाँ पे बर्गर ट्राई किया। वाह खाया मज़ा। तभी मेरे को पाशु भाई ने बताया कि यहाँ पे एक बार ट्राई कर, मज़ा आ जाएगा, ऊपर से आटे का मिलता है। तो बस जैसे ही मैंने ट्राई किया उसके बाद तो जीभ लगभग गई मेरी, अब बैंक मैंने दो तीन प्लेट सब शूट कर दिया अभी। यस पाशु भाई, माय गुडनेस बर्गर भी है। अरे अरे वाह, रुको अरे ये क्या है, पनीर खाओ पाशु भाई। ये वो फेविकोल, फेविकोल। अरे पनीर है। हाँ अरे वाह यार, खपाक से खाते हो। अरे पाशु भाई मज़ा आ गया यार, आपका खाना मतलब 1 मिलियन क्रॉस है ना, मस्त। पाशु भाई बहुत चटोरे हैं यार, वो इतना टेस्टी वाला कि पाशु भाई 2-3 बार खा चुके हैं। माय गुडनेस पाशु भाई, सच में बर्गर भी बहुत टेस्टी है, बहुत ही यम है, बट यम है, बहुत ही मज़ा, मज़ा आ गया। तो ये है फास्ट फूड सेंटर, तो यहाँ पर बर्गर वगैरह बनता है और उसके पीछे मोमो का मस्त रीजनेबल प्राइस पे, प्राइसेस में आपको दिखाई दिया था। मेरे को ऐसा लगता है ना, हाँ अल्बानी में बहुत सारे भोलेनाथ खुल गए हैं और अच्छी अच्छी जगह खुले हैं, यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। हाँ तो भाई वही तो है, यहाँ पे स्पाइसी खाओ और भोलेनाथ के यहाँ मस्त एकदम आप कुल्फी खा दो जब मिर्चा लग जाए। और अभी हम सीधे निकलते हैं नेक्स्ट कैफे, नेक्स्ट कैफे मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पर बगल पर। इस जगह पर ना हम लोग आते नहीं ज़्यादा, बट बट विल गो देयर। यस तो पाशु भाई यहाँ बिलिंग कर रहे हैं मस्त एकदम। मत करूँ, मैं करूँगा अपने इसका, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है पाशु भाई और पर्स ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें खाली 100 रुपये ही पड़ा है। यार सैलरी दे दी ना दो लोग। ओह माय गॉड, मैं 5 रुपये सैलरी में प्रदान कर रहे हैं, बट काफ़ी अच्छा था अंकल जी, बहुत अच्छा, टेस्ट में, टेस्ट में मस्त और फास्ट फूड अब बेस्ट, मज़ा आ गया। चलिए ओके थैंक यू भैया। तो अब सीधे चलते हैं सीधे नेस्कैफे कैफे, और ये रही मेरी ऑर्डर हो पाशु भाई की। यस पाशु ऑफ कोर्स, पार्ट इज ओम चाउमीन
फास्ट फूड सेंटर लिखा हुआ है। ओ माई गॉडनेस, क्या सस्ता है, क्या मस्त है, क्या टेस्टी है। इस टेस्ट के तो दीवाने हो गए। और पाशु भाई अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे नेस्कैफे कैफे। लेट्स गो पाशु भाई। व्हाई आर यू वेटिंग सो मच पाशु भाई? सो दिस इज नेस्कैफे कैफे नियर सुशीला तिवारी। एंड जो इससे पहले जहाँ पर अभी हम लोग गए थे ना फास्ट फूड में, वो भी सुशीला तिवारी से पास में ही है। इस रूट में आना जाना बहुत कम होता है, बट काफ़ी अच्छे अच्छे कैफेज हैं यहाँ भी। तो दो चीज़ एक्सप्लोर कर ली है, विच इज़ फास्ट फूड सेंटर एंड द सेकेंड थिंग इज नेस्कैफे। इट्स क्वाइट कोजी एंड काफ़ी अच्छा है। कोई इनसाइड पूजा भाभी काफ़ी कैमरा शाही हैं। वो सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ कोजी नेस्कैफे। So, है ना ये काफी cozy सा। I think this is new, right? Okay. You post the video. Yeah. On your Instagram account. Okay. You can tag us. Oh, sure, for sure. This is a. Okay, got it. Okay. So guys, यहाँ जरूर visit करें and बहुत ही beautiful है. And the reasonable price. मस्त एकदम बेस्ट आइस टी। एंड व्हाट अबाउट यू पाशु भाई, व्हाट यू गोना हैव पाशु भाई? नाइस टी पाशु भाई। बाहर बैठे आफ्टर हैविंग आइस टी देन यू विल से इट इज नाइस टी। नाइस टी सो यार आई एम अ राइम मास्टर। पाशु भाई यार अंदर वेरी कोजी यार। प्लीज डू फॉलो अस ऑन या श्योर will promote. You can have coffee and gupshup just like me and Pashu bhai. Pashu bhai chalo gupshup karte hain. Kyun acha thanda ho raha hai? So you wanna say something? Me? Yeah. Of course, please do visit our place. It's opposite Atithi restaurant, Nainital Road. Okay. So guys, do visit Pashu bhai, say something. You smiling. Oh, so we got iced tea. Oh, so ye aa gayi hamari iced tea. Let's cheers Pashu bhai. Okay. भी होके आ गए, मस्त है गाइज। प्लीज वहाँ पे विजिट करना, न्यूली ओपेंड एंड काफी अच्छा है, रिजनेबल है प्राइस। और यहाँ पे हम लोग अभी पेट्रोल भरा रहे हैं। पाशु भाई कर दे चल। फूला फूला की बात है, बिशन के लगने तमर मूछ आ गए, तमर मूछ आ गए, तमर मूछ आ गए। अल्लाह दिखाओ तिनते मूछ। तो यहाँ मेरी नानी अपने पुराने दिन बता रहे हैं, अपने पहले कैसे इन्होंने इतने ढेर सारे घास काट देते पहाड़ में चढ़ चढ़ के, और कम से कम 3-4 लट्ठे मतलब ना बना के लेके आते थे चौमास में। नानी जी कह रही हैं आज मेरी हालत ऐसी हो रखी है, और ये भी कह रही हैं कि अब तुम्हें मतलब यहाँ से थोड़ा काम करने में इतनी आफत आ जाती है। सोचो हमने अपने टाइम पे कैसे काम किया होगा, कैसे अपने बच्चे पढ़ाए होंगे, कैसे अपना घर चलाया होगा। सरकारी ऊन आता था, उससे हम रात दिन रात एकदम दन बुनते थे, उसी से घर चलता था। 400-500 रुपए मिलना हुआ, उसमें 3 बच्चों को पालना हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें बोल रही थी नानी जी। और जब भी नानी जी ये सब चीज़ें बोलती हैं ना, तो नानी कह रही थी कि मतलब आँख भर जाती है, आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं।
क्योंकि जिसने भोगा होता है उसी को पता चलता है, जिसने गरीबी देखी होती है उसी को पता चलता है ये। तो नानी जी का कहना एकदम सही है, तजुर्बे के साथ उनको हर चीज़ का अच्छे से पता है। इस उम्र में भी इतना कर्मठ होना, सुबह टाइम पे उठना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग से ही करते हुए आई हैं, तो इनकी आदत बन चुकी है। तो सेम जैसे एक फ़ौजी घर आके अपने रूटीन पकड़ता है, सुबह वॉक पे जाता है, अपना सब टाइम टू टाइम खाना खाता है, तो वैसी ही नानी जी भी सेम वैसी हुई। वो भी बहुत ही कर्मठ हैं, अपने टाइम पे सब चीज़ उनको चाहिए टिप टॉप एकदम। नानी के लिए जब याद करते तो आंसू आ जाते हैं, अंदर ही गए थे। मां का जब आज नहीं है कर रहे हो अगले वैसी और हां जी मैं जी बो धन रहे कभी अब न कर अब और न कर धन करे। खोलो खोलो पुश करो, खोलो 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 पुश करो, ओ पुश कर पुश कर वन मीटर देख हले ले 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 हले ले 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 नो 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 पेटा पेट में जो जो टुक टुक ना जो जो नो 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 आटे वाला मोमो खाएगा इसमें मटन है, ये देख आटे वाला मोमो खाएगा इसमें मटन है, अबे तुझे बका बका खा दे रहा है चुप जा ये ले अबे तू तो पूरा गायब कर दे रहा है। वाओ कैसा लगा? अच्छा था। फीडबैक दे कैसा लगा? सब चेक कर लिया मैंने, अब क्या फीडबैक दूंगा। अच्छा और ले क्या? नहीं बाबा बस तूने बहुत खा लिया, अब नहीं लेके आऊंगा ठीक है। अब ये थैला है भाई, इसे डस्टबिन में डालना है मेरे को। इडियट बबल दवाली दवाई नहीं है नानी जी, जब तक तो खाशा खा दवाई। ओ पेन ऐ भनमती बाब बजर है चाटे हैं चाट ब्लू के चाट। ओ हेलो होय मुझे कहाँ जा रहे हो या हमने आ चुका हूँ रूम में और अब सोने की तैयारी करता हूँ। बट यार उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग की बदौलत मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। ऐसी प्यार बनाते रहिए, ऐसी मेरे वीडियोस को देखते रहिए और हाँ जी ढेर सारा प्यार आप सबको। और प्लीज़ अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, वो हैं तो हम हैं और हम हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, तो इसलिए उनका ख्याल रखिए, उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन से लेके सभी चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर इसी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है ठीक है, और कल है आज है तो कल नहीं है, तो जो है उसमें खुश रहें और जो नहीं है तो उसका गम मत बनाइए, उसको पाने की कोशिश करिए। और एक गीत पेश करता हूँ इसी बात पे, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। लिरिक्स आई नो ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसके लिए खेद है, क्योंकि लिरिक्स की धज्जे उड़ाने में अपन शेर है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अपना प्यार बांटते चलिए। बाय बाय, गुड नाइट।